रोहिणी कोर्ट परिसर में हुए शूटआउट के बाद कुख्यात बदमाशों के बीच सोशल मीडिया पर धमकियों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए, जल्द ही धमाका होगा, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल चुके हैं। 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट रूम में दिल दहला देने वाले शूटआउट में नामी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कुछ इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें यह गैंग एक दूसरे पर हमला करने और खून की नदियां बहाने का दावा कर रहे हैं। गैंगस्टर गोगी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिससे दिल्ली पुलिस के माथे पर शिकन है। गोगी के साथ ही रहे नामी गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से उसकी लाश की फोटो के साथ एक मैसेज वायरल किया गया है जिसमें लिखा है, नई जंग की शुरुआत है, जो हमारे साथ नहीं है अब से अपना सभी ध्यान रखना, अब इस जंग में कोई सुरक्षित नहीं, कोई जायज हो या नहीं, आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल चुके हैं, नए नियम का पालन करते हुए जो भी मिला जहां भी। दरअसल गोगी की हत्या दिल्ली में गैंगस्टरों के बीच में होने वाली गैंग वॉर का नतीजा थी और गोगी की हत्या का आरोप उसके सबसे बड़े दुश्मन सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर लगा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंडोली जेल में बंद टिल्लू ने ही गोगी की हत्या की साजिश रची थी। इसी खतरनाक साजिश के तहत उसने अपने गुर्गे उमंग और विनय यादव के पास राहुल और जग्गा नाम के ये शूटर भेजे थे। पुलिस ने शूटआउट के बाद उमंग और विनय को गिरफ्तार कर लिया है।